यू पड़ा हुआ है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ से स्टार्ट होके सामने कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है और यू आ रहा है, ये कौन सा था? दिस इज योर, ये कौन सा पार्ट है फॉर्निक्स, कहाँ से स्टार्ट होता है? हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होता है फॉर्निक्स, ठीक है, बल्कि लोअर एंड, ये आपका हिप्पोकैम्पस है, पीछे से स्टार्ट होगा फॉर्निक्स और ये घूमता हुआ ऊपर से जाएगा और वो कहाँ जाके एंड होगा? मैमिलरी बॉडी में, ठीक है, इस पोस्टीरियर व्यू, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल आपका फोर्थ वेंट्रिकल डायमेंशन पीछे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जब मैं सेरिबेलम हटाऊंगी तो मुझे फोर्थ वेंट्रिकल मिलेगा, सेरिबेलम अगर लगा होगा यहाँ, अगर यूँ सेरिबेलम पड़ा होगा तो मुझे फोर्थ वेंट्रिकल नहीं दिखेगा, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पॉन्स विल नॉट बी विजिबल। चलो पैलेंटीयर से स्टार्ट करो, कुछ नई चीज़ पता चल रही है हमें? बिल्कुल भी पता नहीं चल रही, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कौन सी आर्टरी है जो कि मिड ब्रेन के लेवल पर ख़त्म होती है? पोस्टीरियर सेरिब्रम है ना, अब देखो ये आपको पता चल गई है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये मिड ब्रेन के पार्ट है, सुपीरियर इंटीरियर पॉलिक्यूलस, पीछे चार गोले नहीं थे? हाँ स्पेसिफिकली पता चलता है, ये क्या है 25th पे, व्हाट इज दिस, पाइनल ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड किसके रिलेशन पे होता है? थर्ड वेंट्रिकल के, थर्ड वेंट्रिकल का पोस्टीरियर रिलेशन बना रहे, बता दे तुम कैसे, ये देखो, ये देखो, अब इस पे आ जाओ, इस पे आपको क्या क्या मिल रहा है, व्हाट इज दिस, पहले सेंटर का पार्ट बताओ, दिस इज योर थैलेमस, ये क्या है इंटरथैलेमिक एडिशन, ये क्या है हाइपोथैलेमस, है ना, थैलेमस के आगे एक्सटेंड करता है, पता ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका थैलेमस है तो हाइपोथैलेमस इसके यू पूरे यू घूमता हुआ यू आगे जाएगा, ठीक है, और अच्छा हाइपोथैलेमस के आगे ये वाला कौन सा पार्ट है, ये देखो ये कौन सा पार्ट है, नहीं क्यास्मा, ये देखो ना ऑप्टिक क्यास्मा, ये 24, अच्छा ये क्या है फ्लोर, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और ये देखो ये क्या है, ये वही पाइनल ग्लैंड है जो आपका पीछे पिंक पिंक नजर आ रहा था, ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, मिड ब्रेन, व्हाट इज दिस, पॉन्स, व्हाट इज दिस, मेडुला, अब वेंट्रिकुलर सिस्टम पे आ जाओ, ये कौन सा वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, नीचे क्या जा रहा है सेरेब्रल एक्वीडक्ट, और इसके बिल्कुल पीछे क्या जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल, नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी विजिबल नहीं है हमारा फोर्थ एरिया, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल क्या है सेंटर में।